जीरो की रिलीज के बाद अब शाहरुख खान अपने अगले प्रोजेक्ट्स में बिजी होने वाले हैं। शाहरुख के पास वैसे तो फिल्मों की लाइन लगी है, लेकिन हम यहाँ आपको बताते हैं कि वो कौन सी तीन बड़ी फिल्में हैं जो शाहरुख अब जीरो के बाद शुरू करने वाले हैं। पहली फिल्म बदला, ये फिल्म मार्च 2019 में रिलीज होगी। वैसे तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू मेन लीड में हैं, लेकिन चूंकि फिल्म को खुद शाहरुख खान ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिहाजा वो भी फिल्म में एक छोटा सा कैमियो अपीयरेंस निभा रहे हैं। बदला एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें शाहरुख खान पूरी फिल्म में एक स्पेशल ट्विस्ट के साथ नजर आएंगे। दूसरी फिल्म सैल्यूट, बदला के ठीक बाद शाहरुख खान सैल्यूट के लिए काम करेंगे। ये फिल्म स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की बायोपिक है। इस फिल्म में पहले आमिर खान के काम करने की खबर थी, लेकिन बाद में आमिर ने जब कुछ वजह से ये फिल्म छोड़ दी तो फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इसमें काम करने के लिए शाहरुख खान को राजी कर लिया। खबर है कि 2019 की शुरुआत में ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। और तीसरी फिल्म डॉन 3, इसके बाद शाहरुख कर सकते हैं डॉन 3। जी हाँ, डॉन सीरीज की तीसरी फिल्म का शाहरुख खान के फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है। फरहान अख्तर भी इस बात का हिंट दे चुके हैं कि डॉन 3 जल्द ही फ्लोर पर आ जाएगी। डॉन सीरीज शाहरुख खान की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों की लिस्ट में से एक है। तो ये हैं वो तीन फिल्में जिनका आप जीरो के बाद इंतजार शुरू कर सकते हैं। इन तीन फिल्मों में से किस फिल्म को देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।